ठीक है बोली। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद आगे थोड़ा आ जाइए। तो कल गुंडीचा मार्जन है और परसों जगन्नाथ रथ यात्रा है और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगामी हैं उनके लिए ये उत्सव जन्माष्टमी जैसा ही महत्वपूर्ण है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु 18 साल जगन्नाथपुरी में इस उत्सव में भाग लिए और इस उत्सव में भाग लेने के लिए बंगाल से उड़ीसा से क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के अधिकतर भक्त बंगाल में थे और कई उड़िया में भी थे उड़ीसा में भी थे कुछ इवन पूर्व बंगाल जो अभी बांग्लादेश है वहाँ पर भी बहुत सारे भक्त थे वो सब है इस रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए आते थे। तो चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 13वें अध्याय में 12 और 13 दो अध्याय है कि जिसमें एक में गुंडीचा मार्जन की लीला का वर्णन है और एक में भगवान का रथ यात्रा उत्सव में कैसे वो भाग लेते थे उसका वर्णन है। 18 साल हुआ लीला तो एक ही वर्णन है मतलब हम समझ सकते हैं कि वो सभी जो 18 साल में हुआ वो सबका एक निचोड़ के रूप में क्योंकि कई वस्तुएं रिपीट होती है जैसे हर साल यहाँ बड़ौदा में भी 43वां रथ यात्रा उत्सव है तो कई वस्तुएं कॉमन होती है कुछ वस्तुएं डिफरेंट भी होती है तो इसीलिए एक चैप्टर ही है 18 तो उसका थोड़ा सा पहले हम वर्णन करते हैं। और चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है वो बंगाली में मूल में है कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। अद्वैत निताय आदि संगे भक्त गण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु ये सब है उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा के लिए है उनको लेकर उनके भक्त जा रहा है। कटक दैत करे स्कंद आलंबन कटक दैत धरे श्री पद्म चरण। अब जगन्नाथ के विग्रह काफी बड़े बड़े हैं जगन्नाथपुरी में ऑलमोस्ट 6 फीट जितने 6 फीट से भी अधिक। तो जगन्नाथ के जो सेवक है उनको दैता कहते हैं वैसे भी दैत का अर्थ होता है सेवक तो वहां पर उनको दैता कहते हैं और उन्होंने अपने कंधों के ऊपर अब जगन्नाथ की मूर्ति काफी विशाल है एक व्यक्ति के हाथ में भी ना आए उतनी बड़ी विशाल विग्रह है तो उस विग्रह को क्या करते हैं कटी टटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट दोरी तो एक रेशम की बड़ी सी दोरी नाड़ा उससे बांध देते जगन्नाथ को और फिर उसको पकड़ करके उस विग्रह को उठाए जाते दोई दिखे दैत गण उठाए तहां धरी तो उस प्रकार से जो दैता है वो जगन्नाथ को उठाते जगन्नाथ सबको धारण करते हैं जगत के नाथ हैं पर उनके भक्त हैं उनको उठाते हैं। उच्च दृढ़ तुली सब पटी स्थाने स्थाने एक तुली है ते त्वराय आर तुली ते आने। अब वो इतने मूर्ति भारी होती है ना कि 10 लोग भी उठा रहे तो भी नीचे आ ही जाती है जमीन पर तो इसीलिए जमीन पर बड़े बड़े रुई के तकिए जो है वो लगाए जाते हैं और जगन्नाथ उस जैसे उसके पर गिरते हैं तो वो फट जाता है रूही सब जगह उड़ने लगती है। और इस प्रकार से प्रभु पद घाटे तुली है खंड खंड तुला सब उड़ी यजार शब्द है प्रचंड तो बहुत बड़ी आवाज क्योंकि गद्दा फटता है तो आवाज होती है।
विश्वंबर जगन्नाथ के चलाए ते पारे, अपन इच्छाएं चले करिते विहारे। तो जगन्नाथ को कौन लेकर जा सकता है, उनको कौन उठा सकता है? ये भगवान की लीला है कि वो भक्तों को अनुमति देते हैं, वो उनको उठाते हैं और भगवान उठते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, नाना वाद्य कोलाहले किछोय ना सुनी। इतना आवाज वहां पर, शंख और झालर सब बजते हैं, कुछ सुनाई नहीं देता। तो उसमें चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से जगन्नाथ को मणिमा मणिमा, अब ये उड़िया शब्द है मणिमा, जो कोई महान व्यक्ति है उसको मणिमा महान, तो उसको, क्योंकि महाप्रभु अब उड़ीसा में रहते तो उड़िया भी बोलते हैं, तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाते हैं। और तबे प्रताप रुद्र करे आपन सेवन, स्वर्ण मार्जन लाई करे पथ समार्जन। तो जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी के राजा होते हैं, उनका नाम प्रताप रुद्र है, अभी भी राजवंश है, उनके राजा है, राजाशाही अभी नहीं है, पर उस समय राजाशाही थी। और प्रताप रुद्र जो भगवान के राजा, मतलब जगन्नाथपुरी के राजा थे, उत्कल, उड़ीसा का पुराना नाम है उत्कल, तो उत्कल प्रांत के राजा थे, काफ़ी बड़ा राज्य था, अभी उड़ीसा है उससे भी विशाल उनका राज्य था। तो वो स्वयं है जगन्नाथ की सेवा करने के लिए आ जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति की भांति उनका मार्जन एक झाड़ू से उस रोड का मार्जन करने लगते हैं। चंदन जलेते करे पथ निश्चेसन, तुच्छ सेवा करी वासी राज सिंहासने। तो राजा है, उन्होंने रोड पर है, चंदन से मिश्रित जल छिटकवाया, और हालांकि वो राजा है फिर भी उन्होंने एक चपरासी का काम, झाड़ू मारने का काम उन्होंने किया। उत्तम है राज करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। तो उत्तम होकर भी उन्होंने तुच्छ सेवा की जगन्नाथ की, और इसे चैतन्य महाप्रभु काफी खुश हुए। महाप्रभु सुख पाइला से सेवित देखिते, महाप्रभु कृपा हेला से सेवा हेते। यही राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु को मिलना चाहते थे, दो तीन बार रिक्वेस्ट करते हैं पर चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने से मना कर देते हैं। आज के समय कोई किसी को प्रधानमंत्री अगर मिलना चाहे तो लोग है दौड़कर तुरंत जाएंगे, पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सन्यासी है तो मुझे राजा से मिलने से क्या काम। हालांकि राजा कृष्ण भक्त है फिर भी राजा है, ऐश्वर्य से घिरा हुआ है, तो कहाँ कि वो तो भोगी है। आप बहुत अच्छे भक्त है और फिर भी भगवान उनको कह रहे कि वो तो भोगी है, मैं उसको नहीं मिलूंगा। तो फिर भक्तों ने आश्वासन दिया कि अभी आप थोड़ा धैर्य रखिए, अवसर आएगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। और इसी रथ यात्रा में राजा प्रताप रुद्र को है भगवान के दर्शन की और इवन प्रत्यक्ष आलिंगन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो राजा को जब देखा चैतन्य महाप्रभु ने दूर से सेवा करते हुए, तो वो काफी प्रसन्न हुए। और रथेरस साजनी देखी लोके समत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। तो काफी विशाल तीन रथ जगन्नाथपुरी में होते हैं, काष्ठ से बने हुए होते हैं, पूरा लकड़ियों से बनाए जाते हैं, और रथ में सब में जगन्नाथ का रथ सबसे बड़ा होता है, फिर बलदेव जी का और सुभद्रा का सबसे छोटा होता है। तो काफ़ी इसकी महिमा और काफ़ी इसका विस्तार से वर्णन है। शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, ऊपरे पताका शोभे छांदो या निर्मल। तो बहुत सारे वहाँ पर खास करके पताका लगाई जाती है, और शंख खास करके बहुत सारे लोग वहाँ बजाते हैं, और दूसरा झालर, ये दो वस्तु काफ़ी बजाई जाती है। आप ऑनलाइन भी जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा देख सकते हैं। तो उस रथ पर हंड्रेड्स ऑफ लोग, बहुत सारे लोग एक तो होते हैं जो उसके पंडे जो है बहुत सारे होते हैं, और ये सब है, और खास करके चामर से सब चारों ओर, रथ के चारों ओर भी चामर लटकाए होते हैं, और चामर से भगवान की सेवा भी की जाती है। घाघर किंकरी बाजे घंटार क्वनित, नाना चित्रपट वस्त्रे रथ विभूषित। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाद्य यंत्र बज रहे थे। लीलाए छाड़ी ल ईश्वर रथेर ऊपर, आर दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर। तो भगवान जगन्नाथ तीन रथ है, जगन्नाथ
बलदेव और सुभद्रा देवी, तो ये रथ पर चढ़ गए 15 दिन के लिए। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लई तार संगे क्रीड़ा कैला निर्भृते वशिया। तो आपको पता है कि स्नान यात्रा के 15 दिन के तक है जगन्नाथ बाहर नहीं आते, किसी को दर्शन नहीं देते। तो यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि महालक्ष्मी फॉर 15 डेज लॉर्ड हैज रिमेन इन सेक्लूडेड प्लेस विद द सुप्रीम गॉडेस ऑफ फॉर्चून। 15 दिन लक्ष्मी देवी के साथ ही एकांत में भगवान रहे और उन्होंने अपनी लीलाएं की। तहार सम्मति लय भक्ते सुख दीते रच छाड़ी बहिर हैला विहार करीते। तो अब लक्ष्मी देवी की अनुमति लेकर भगवान बाहर निकल रहे हैं, खास करके आपको एक दिन के लिए तो नहीं पर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो अनुमति गृहस्थ है उनको लेना पड़ता है। तो भगवान भी है ऐसे लीलाएं करते हैं। और सूक्ष्म श्वेत बालु पथे पुलिंद सम दुई दिखे तोता सब जय वृंदावन। तो अब तो हालांकि मार्ग के आजू बाजू बहुत सारे मकान बन गए हैं, उस समय दोनों और मार्ग जो है रेत से ही बना हुआ था, जैसे समुद्र तट तक सब खाली था। तो ये किनारा ऐसा लग रहा था कि जैसे वृंदावन हो, वृंदावन में जैसे बालू है रमन रेती है, तो उसी प्रकार से वहाँ रेत समुद्र की रेत होती है। और जब वो इस प्रकार से रथ पर सवार हो गए तो भगवान काफ़ी है खुश हुए। और फिर गौड़ सब रथ ताई करिया आनंद क्षणे शीघ्र चले रह क्षणे चले मंद। तो सब लोग रथ खींचने लगे, कभी वो जल्दी चलता था तो कभी कभी धीरे धीरे चलता था। क्षणे स्थिर लई हई रहे ताही ले ना चले ईश्वर इच्छाए चले ना चले करो बाले। तो ईश्वर की इच्छा से ही रथ चलता था, कभी चलता था कभी कितने भी लोग आ जाते थे तो वो रथ नहीं चलता था। और उस समय चैतन्य महाप्रभु के सब भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु तभी महाप्रभु सब लई भक्त गण स्वहस्ते परायला सबे मलय चंदन। तो महाप्रभु जो भी भक्त बंगाल से इत्यादि अलग अलग जगह से आए थे उन सबको अपने हाथों से चंदन लगाया, सबको माला पहनाया, क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तन अब होने जा रहा है। तो इस रथ यात्रा की लीला जो है जन सामान्य के लिए क्या है कि कुछ लोग भारत में नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, कुछ कुछ लोग कभी कभी मंदिर जाते हैं, कुछ कभी भी नहीं जाते हैं। मलेच्छ यवन इत्यादि है वो तो मंदिर जाते नहीं हैं, मुसलमान कोई हो गया ईसाई हो गया तो उनको लगता है कि हमें तो हमारा ईश्वर अलग है। तो ऐसे सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ दर्शन देने आते हैं। तो भगवान का ये जो रूप है वो परम उदार चैतन्य महाप्रभु भी है परम उदार अवतार है और जगन्नाथ भी परम उदार अवतार है, क्योंकि इस अवतार में भगवान है एवं निम्न से निम्न लोगों के ऊपर कृपा करते हैं अपने रथ में बाहर आकर। और हम देख सकते हैं कि कलयुग में विशेष रूप से ये कृपा सिर्फ भारत तक नहीं विश्व भर में श्रील प्रभुपाद के कारण फैल गई। कल परसों मतलब एक हफ्ते में परसों से लेकर रथ यात्रा जब वापस आती है 19 तारीख तक में, 7 तारीख से 19 तारीख तक में, तो हजारों की संख्या में रथ यात्राएं पूरे विश्व भर में होती हैं। तो आज भगवान के दर्शन और विशेष करके उनका प्रसाद कीर्तन पुस्तक प्रभुपाद जी के तो विश्व भर में एक बहुत बड़ा क्रांति इससे हो रही है। तो एक भगवान का रथ यात्रा का उद्देश्य है कि जो भी दीनहीन है जो भी अयोग्य भी है उनके ऊपर कृपा करें। पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो इस लीला में भाग लेते हैं तो उनका मनोभावना उससे कुछ और कहीं और कुछ और है ना? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस रथ यात्रा में जब भाग लेते हैं, यहाँ पर भी आगे वर्णन आएगा कि वो रथ के आगे चलते हैं तो उनको देखकर जगन्नाथ भी खुश हो जाते हैं। पर चैतन्य महाप्रभु कभी कभी क्योंकि बहुत सारी कीर्तन मंडलियाँ बनाई गई थी ना,
हर एक मंडली में वैसे दो मृदंग प्लेयर होंगे, चार करताल बजाने वाले, एक दो दो भक्तम मुख्य रूप से नाचने वाले, गाने वाले, इस प्रकार से हर एक मंडली का यहाँ पर बहुत विस्तृत वर्णन है। व्रत के चार आगे दोनों दो साइड में और पीछे ऐसे मंडलियाँ, तो चारों ओर कीर्तन होता था। और चैतन्य महाप्रभु जैसे रासलीला में हर गोपी विचार करते कृष्ण मेरे साथ नृत्य करते हैं, उसी प्रकार से रास मंडली में यहाँ कीर्तन मंडली में हर भक्त को लगता था कि हमारी मंडली में ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। और कभी कभी जब चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे की जगह पर पीछे चले जाते हैं तो जगन्नाथ उनको देख नहीं पाते हैं और वो रुक जाते हैं प्रतीक्षा करने के लिए। और फिर तो हाथियों को बुलाया जाता है, लोग पहले खींचते हैं, फिर हाथियों को भी बुलाया जाता है, फिर भी वो रथ बिल्कुल हिलता नहीं है। और फिर स्वयं जगन्नाथ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने सिर से उस रथ को पीछे से धक्का देते हैं। और तब वो रथ चलने लगता है, अकेले चैतन्य महाप्रभु उस रथ को चलाते हैं। तो गौड़ी वैष्णव के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुगामी हैं, उनके संप्रदाय में हैं, उनके लिए ये उत्सव है, उनका महत्व बहुत ही अधिक है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य का कारण हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्यों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में इतने साल रहे और ये रूप विशेष करके क्यों, क्योंकि आगे कई गीत गाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त चैतन्य महाप्रभु के लिए। तो वो गीत के अर्थ सिर्फ है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ही समझ पाते थे। वो गीत होते थे जैसे कोई सामान्य प्रेमी और प्रेमिका के कोई गीत है ऐसे, तो कोई समझ नहीं पाता था कि क्या हो रहा है। पर चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण, उनका प्रगट्य हुआ, 11 साल तक उन्होंने ब्रज में वृंदावन में लीला की, विशेष रूप से गोकुल में और फिर वृंदावन में, और फिर 11 साल के बाद और कुछ महीने के बाद वो मथुरा चले गए, और मथुरा के बाद कुछ सालों के बाद वो द्वारका आ गए। अब हालांकि कुछ दो प्रसंग है कि जिसमें एक प्रसंग तो प्रसिद्ध है कि दंत वक्र को मारने के निमित्त भगवान जाते हैं मथुरा, और तब है भगवान वापस वृंदावन में जाते हैं, उससे पहले बलराम जी जाते हैं और भी कई भक्त वृंदावन में जाते हैं। तो वृंदावन में जो भक्त है उनको आज भी सब समझते हैं भक्त कि उनके जैसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। इस संसार में हम देखते हैं कि जैसे आप अपना गांव छोड़कर आए, कोई सिटी छोड़कर आए, बहुत कुछ, सब लोग मूल निवासी यहाँ के नहीं होंगे कि दो चार पीढ़ियों से बड़ौदा में रह रहे हैं। अब जिनको छोड़कर आए उनको पहले हर रोज फोन करते थे, फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, कुछ लोग को साल में एक बार, धीरे धीरे इस संसार में हम भूल जाते हैं। पर भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भौतिक संसार में जो संबंध है उसमें क्या होता है, समय की गति में सब वस्तु है लुप्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भूतकाल बन जाता है। पर भक्ति है वो दिव्य है, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है। तो व्रज में जो उनके भक्त है कृष्ण के विरह में, कृष्ण जब चले गए तो बल्कि उनका स्मरण और गाढ़ होता गया, जैसे दूध को और जितना उबालते रहते उतना और गाढ़ा हो जाता है, और मीठा हो जाता है, मावा बन जाता है। तो इस प्रकार से वो और गाढ़ा से गाढ़ा बनता गया। तो भगवान स्वयं द्वारका में आने के बाद भी कई प्रसंग है जो बृहद भागवत इत्यादि में वर्णन किए गए हैं कि सोते सोते रात में भी भगवान है ब्रजवासियों के नाम लेते रहते थे और उनको भूल नहीं पाते थे, हालांकि द्वारका में कोई वैभव की कोई कमी नहीं। तो द्वारका वासियों की विशेष रूप से भगवान की रानियों की इच्छा होती थी, तो क्या ऐसा तो क्या मतलब ब्रज का प्रेम है भगवान को कि बचपन इतने साल बीत गए, अभी तो उनका विवाह भी हो गया और हम सब है उनके इर्द गिर्द, तो
तो भी भगवान है, ब्रजवासियों को याद करते रहते, विशेष रूप से गोपियों के नाम लेते हैं। तो उनको जिज्ञासा हुई कि हमें जानना है कि क्या है कृष्ण भक्ति, ऐसी क्या है उनकी भक्ति। तो उन्होंने रोहिणी माता को प्रार्थना किया कि आप हमें ब्रज की कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताइए। तो रोहिणी माता ने कहा कि ये एकांत में बताने जैसी चीज है, क्योंकि अगर भरी सभा में बताएंगे तो कृष्ण और बलराम जी भी इसको सुनेंगे और उसको सुनकर वापस उनके वो दुख जाग, मतलब उनके हृदय में प्रकट होगा, क्योंकि उनको सब वो यादें आएगी। तो मैं एकांत में आप सबको उन कृष्ण लीला का स्मरण करवा, मतलब आपको कथा बताती हूँ। तो उन्होंने कई कृष्ण की लीलाएँ हैं ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं भागवत के अलावा भी, जैसे वैष्णव आचार्य ने भी लिखे हैं, गर्ग संहिता से लेकर विदग्ध माधव है, गोपाल चंपू है, और ऐसे अनेक ग्रंथ वैष्णव आचार्य ने लिखे जिसमें कृष्ण की अनेक लीलाओं का सुविस्तार से वर्णन किया गया है। तो रोहिणी माता भी है क्रमिक रूप से कृष्ण की सभी लीलाओं का, पहले दिन से नंदोत्सव हुआ उससे लेकर सब लीलाओं का वर्णन करने लगी। और ये ध्यान रखने के लिए कि कृष्ण और बलराम कहीं इस खंड में ना आ जाए कमरे में, तो उन्होंने सुभद्रा को दरवाजे पर रखा कि वो सुने, देखती रहे कि कृष्ण और बलराम कहीं नजदीक में ना हो। और विशेष रूप से उसमें कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन होने लगा कि जब भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी आते हैं, अक्रूर आए पर लोग सब उनको क्रूर ही समझते थे, नाम उनका अक्रूर था पर ब्रजवासी समझते ये सबसे क्रूर व्यक्ति, अगर ब्रज में कोई आया हो, पूतना आई, अगासुर बकासुर जितने भी आए वो इतने क्रूर नहीं थे, क्योंकि वो कृष्ण को कोई लेकर नहीं गए। पूतना या वृत्ता वो तृणावत इत्यादि, उनका तो यही था ना कि उड़ा कर ले जाना है कृष्ण को, तो वो भी नहीं लेकर जा सका। पर अक्रूर जी आए और दूसरे दिन कृष्ण को लेकर चले गए। और फिर कृष्ण बाप और कहा कि बस दो दिन की बात है, यज्ञ पूरा होकर वापस लौट आएंगे। हाँ, और नंद बाबा हालांकि उनके साथ गए थे, कुछ ब्रजवासी भी गए थे, स्त्रियां नहीं गई थी, पर फिर कृष्ण तुरंत लौट कर नहीं आते हैं, कुछ सालों के बाद आते हैं हालांकि। तो वो घटनाओं का जब वर्णन करने लगे तो भक्ति रसानो सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक संसार में भौतिक शरीर हमें प्राप्त है जो जड़ तत्वों से बना है, उसमें भौतिक मन भी है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के इमोशन यानी कि भाव होते हैं। अभी भारत वर्ल्ड कप जीत गया, इस लोग पागल हो गए, आर जगह तो वही लोग हताश हो जाते, उसमें भी पागल हो जाते हैं, अलग अलग पागल तो है, दुख या सुख, इमोशनल, कुछ ज्यादा ही इमोशन कब होते हैं, या तो बहुत सुख का अवसर आता है या तो बहुत दुख का अवसर होता है। तो हम देखते हैं कि संसार में ये सब का तो अनुभव हम सब करते हैं, पर जो भक्ति के तत्व को जानते हैं वो उनको पता है कि वास्तव में ये प्रेम के लक्षण हैं जो आत्मा में है, भगवान के साथ उसका जो संबंध है, जब वो कृष्ण की सेवा करता है तब एक रस उत्पन्न होता है जिसको भक्ति रस कहते हैं, तो उसमें ये सब लक्षण प्रकट होते हैं। तो इन सब लक्षणों का वर्णन भक्ति रसानो सिंधु नाम के ग्रंथ में विस्तार से किया गया है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, कंठ रुद्ध हो जाना, आंखों से अश्रु प्रवाह हो जाना, मूर्छित हो जाना, लौटना जमीन पर, जोर जोर से कूदना, या अलग अलग अष्ट सात्विक का, तो कई प्रकार के विकार का वर्णन चैतन्य चरितामृत में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है। जब कीर्तन होता था तो चैतन्य महाप्रभु काफी जोर जोर से कूदते थे, भक्तों को लगता था कि अब तो चैतन्य महाप्रभु जब कूदेंगे तो सब उनकी हड्डियां टूट जाएगी। हाँ, या सतत उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होता था, जैसे पानी की तरह, जैसे नदी बहते, उस प्रकार से वर्णन है कि लगातार अश्रु प्रवाह। तो ये सब है ब्रजवासियों में, क्योंकि जब भी वो कृष्ण को याद करते, कृष्ण के जाने के बाद बस
जैसे भगवान राम भी 14 साल वन में गए, तो 14 साल के लिए अयोध्या में कुछ नहीं हो रहा था। हाँ, लोग उठते थे फिर बैठे रहते थे भगवान को याद करते करते, भूल भी जाते थे कि उनको कुछ खाना भी बनाना है या कुछ करना है। कोई उनके जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं था, इतने सब उन्नत अयोध्यावासी थे। उसी प्रकार से ब्रजवासी भी हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन का केंद्र ही भगवान है। हमारे लिए तो वो क्या कि भक्ति का थोड़ा सा एक भाग होता है, और हम जैसे दूसरे कार्य में व्यस्त होते हैं भगवान को भूल जाते हैं। पर ब्रजवासियों के लिए वो संभव नहीं था, वो भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते थे। और उस समय कृष्ण और बलराम भी वहां पर उस लीलाओं को जब सुनने लगते हैं तो भगवान के शरीर में भी ऐसे अष्ट साप्तिक विकार उत्पन्न हुए। हाँ, उनकी आंखें अचंभित हो गई कि ऐसे ब्रजवासी है, ऐसे मेरे भक्त है कि मेरे विरह में है, वो भूल गए है खाना पीना गाय वो भी जो भी अपने सामान्य कर्म है सब, हाँ वो भूल गए और ठीक है चल रहा है जीवन, उठ गए तो ठीक है कुछ कार्य कर लिया, हाँ तो कुछ बाकी नहीं हो रहा था ना। जैसे संसार में लोग है भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहते थे, वो सब उन्होंने छोड़ दिया था ना। कृष्ण का निरंतर ऐसा स्मरण था। तो भगवान के शरीर में ऐसे अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हुए ब्रजवासियों की कथा सुनकर, और नारद जी ने इस भगवान के रूप का दर्शन किया कि नारद जी भी अक्सर बार कहते रहते हैं। एक बार जब आते हैं उसका वर्णन तो कृष्ण भागवत में भी है कि वो देखने आते हैं कि अब भगवान का जीवन कैसे चलता है। हाँ, कई बार विचार करते हैं कि अब इस व्यक्ति ने विवाह कर लिया, देख कर आते अब वो कैसे रहता है, अभी सुबह उठता है कि नहीं, क्या करता है, पहले उसकी हैबिट्स क्या थी बाद में क्या है। तो नारद जी भी देखने आते हैं, और इस बार भी वो देखने आए तो उन्होंने यही दृश्य जब देख लिया तब भगवान को कहा कि ये इसका तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। हाँ, कि जब कृष्ण उनके भक्तों के बारे में सुनते हैं कि कैसे उनके भक्त कृष्ण के विरह में है भावमग्न हो जाते हैं, और तब कृष्ण की क्या स्थिति होती है, तो ये तो पूरे संसार को पता होना चाहिए कि ये सबसे उत्कृष्ट भगवान की भक्ति है। और फिर भगवान कहते हैं कि इस रूप का है भविष्य में है, इस रूप में मैं प्रकट अपने आप को करूँगा, और इसी रूप में जगन्नाथ हैं जिसमें हम देखते हैं कि उनके पैर हमें दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, हालांकि भगवान सर्वगत, भगवान सब जगह जाते हैं, हाँ भगवान सब कुछ देखते हैं, जब कुछ पकड़ सकते हैं तो उनके हाथ दिखाई देते हैं, आंखें दिखाई देती हैं, पैर नहीं दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको इसीलिए कृष्ण है, बलदेव है और सुभद्रा देवी है। सामान्य रूप से कृष्ण की साथ या तो रुक्मिणी देवी होगी तो राधा रानी होगी, या तो कृष्ण जैसे भगवान विष्णु है तो उनके साथ लक्ष्मी जी होते हैं। तो बहन के साथ ये एक विग्रह है कि जिसमें भगवान सुभद्रा देवी के साथ है, और सुभद्रा देवी भी क्या है, योग माया है। भगवान की दो शक्तियाँ हैं, दुर्गा देवी जो महामाया है और योग माया है, सुभद्रा देवी उनके प्रतिनिधित्व है। तो वो एक भौतिक संसार का कार्य संभालती है और एक आध्यात्मिक संसार के कार्य को संभालती है। योग माया ही भगवान की लीला का विस्तार करती है। और भी कई प्रसंग रथ यात्रा को लेकर है। बृहद भागवतम में एक प्रसंग है, एक प्रसंग तो है जो कुरुक्षेत्र में घटना हुई। महाराज युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसु यज्ञ किया, जो प्रसिद्ध राजसु यज्ञ है, जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की उसके बाद राजसु यज्ञ करते हैं जिसमें दुर्योधन ये शादी भ्रमित हो जाते हैं। तो उस यज्ञ के बाद है कुछ सालों के बाद सूर्य ग्रहण होता है, और उस सूर्य ग्रहण के समय पर है द्वारकावासी भी विचार करते हैं कि हम सब है कुरुक्षेत्र में जाएंगे, और हस्तिनापुर से भी पांडव द्रौपदी इत्यादि सब है कुरुक्षेत्र में आते हैं, और ब्रजवासियों के लिए तो कुरुक्षेत्र और नजदीक है, तो वो भी
उन्होंने भी अब सुना कि इस प्रकार से द्वारका से भगवान आ रहे हैं, तो ब्रजवासी सामान्य रूप से वो ब्रज से नहीं निकलते हैं, पर इस अवसर पर वो गए द्वारका कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में है भगवान राजवी वेश में आते हैं, रथ पर सवार है, घोड़े जुड़े हुए हैं और मुकुट धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किए हैं। तो ब्रजवासियों के लिए भगवान का ये रूप भिन्न था, क्योंकि वो तो उनको सिर्फ ग्वाले के रूप में ही देखा है, हाथ में डोरी है या वो बांसुरी है और फूलों की माला पहनी है, वहाँ सोने की कुछ आभूषण होते हैं, अधिकतर फूलों की माला भगवान पहनते हैं, मोरपिच्छ धारण करते हैं। तो उस समय है अलग ही प्रसंग, भागवतम में भी आता है, उसमें द्रौपदी इत्यादि भगवान की रानियों को मिलते हैं। पर एक प्रसंग जो सीधा भागवत में तो वर्णन नहीं है, पर अन्य जगह पर वर्णन है कि ब्रजवासी भगवान के रथ को है खींचने लगते हैं कि आप वापस ब्रज में आ जाओ, हाँ ब्रज में चलो, हाँ हमें वो कृष्ण चाहिए जो यमुना के किनारे है, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हाँ और फूलों की माला धारण करते हैं, ग्वाले जो है, हाँ ये राजवी कृष्ण है वो उनको पसंद नहीं है क्योंकि उसमें जैसे आप कोई राजा को देखते हैं तो आपको आप दूर से उनको प्रणाम करने का एक भाव आता है, हाँ क्योंकि वो कुछ ऑर्डर देंगे, अधिकारी आपको दिखाई देंगे, और ग्वाले है तो अपना अपन रहता है ना। तो ब्रजवासियों का वो भाव है वो पूरा करने के लिए भी ये लीला की गई। भगवान रथ यात्रा में जो गुंडीचा मंदिर है और दूसरा जगन्नाथ का मंदिर है, अभी जो वर्णन हम पढ़ रहे थे कि भगवान 15 दिन है लक्ष्मी जी के साथ एकांत में रहे और लोगों को बता दिया कि मैं बीमार हूँ, भगवान भी कुछ बहाना बनाते हैं। और जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी जी है तो बहुत वैभव से भगवान की सेवाएं होती हैं, तो गुंडीचा अभी भी आप जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे ही लगेगा कि भगवान चले गए यहाँ से, ब्रज की तरह ही अभी भी है। रथ यात्रा में 10 दिन वहाँ भगवान आते हैं और फिर जो है उसके बाद वो पूरा मंदिर खाली रहता है, वहाँ कोई होता नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि पहले यहाँ बहुत सारे होंगे, काफ़ी मंदिर विशाल है, पर ऐसा लगेगा कि सब लोग चले गए यहाँ से, इवन भगवान भी चले गए क्योंकि अंदर मूर्ति भी नहीं है। तो ब्रज में जैसे भगवान कृष्ण चले गए, फिर जैसे भगवान है क्योंकि भागवत में एक श्लोक में बताया गया कि भगवान वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते। तो बाह्य दृष्टि में ब्रजवासियों के लिए भगवान अभी सबको छोड़कर अदृश्य हो गए, तो उनकी प्रकट लीला नहीं हो रही है, तो भगवान की अप्रकट लीला जो है वो हमेशा होती रहती है। और अभी भी ब्रज में ऐसे सिद्ध भक्त है कि जो भगवान की उन लीलाओं का दर्शन करते हैं, सामान्य लोग तो जाएंगे तो वृंदावन में अभी सिटी के ही दर्शन करेंगे, पर जो ऐसे भक्ति में उन्नत है वो अभी भी ब्रज में उन लीलाओं के दर्शन भगवान की करते हैं। तो भगवान है द्वारका के वैभव को छोड़ करके, हाँ वृंदावन के वैभव को चाहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं ब्रजवासियों का भाव लेकर प्रकट हुए हैं, हाँ ब्रजवासियों में गोपियां प्रमुख है और गोपियों में श्रीमती राधा रानी, तो भगवान कृष्ण ही स्वयं भक्त का भाव लेकर आए हैं और भक्त का भाव लेकर वो कृष्ण को बुला रहे, कृष्ण आप हाँ फिर से यमुना किनारे चले। हाँ तो मैंने कहा कि कई गीत रूप स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे जो एक प्रेमिका के गीत जैसे होते हैं कि चलो फिर वो रात हो पूर्णिमा की, हाँ और फिर वो रासलीला हो, तो वो सब गीत ऐसे कई गीत जयदेव गोस्वामी और अलग अलग भक्तों ने लिखे हैं जो चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। तो सामान्य रूप से उसके शब्द तो ऐसे लगेंगे कि कोई भौतिक व्यक्ति जो है वो अपनी प्रेमिका है प्रेमी को बुलाने के लिए गीत गा रही है, हाँ पर ये सब कृष्ण के उद्देश्य लेकर उद्देश्य में रखकर ये सब गीत वैष्णवों ने लिखे हैं।
और चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते थे, पर उसके अर्थ इसीलिए कोई भी नहीं जान पाता था कि ये क्या है मतलब। और रूप गोस्वामी बाद में हालांकि इन गीतों के अर्थों को ये प्रकाशित उन्होंने किया। और तो भगवान है गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं और फिर वापस आते हैं। हाँ, तो वापस जगन्नाथ स्वयं नहीं आते हैं रथ यात्रा में, तो हमारे यहाँ तो एक दिन रथ यात्रा होती है, पर जगन्नाथ पुरी में दो बार उल्टा रथ भी होता है। तो लक्ष्मी जी फिर हेरा पंचमी आषाढ़ी बीज हो गई, फिर हेरा पंचमी के दिन वो जो विचार करती है कि अभी कई दिन हो गए जगन्नाथ तो गए वापस नहीं आए। हाँ, फिर पहले वो सेवकों को भेजती है तो भी भगवान नहीं आते हैं, फिर वो स्वयं विचार करते हैं कि मुझे ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो इस प्रकार से जगन्नाथपुरी में ये सब पास टाइम्स को मतलब उसका अलग अलग सेरेमनीज, इसके अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं कि लक्ष्मी जी अपने सेवकों के साथ जाती है, फिर जगन्नाथ के सेवकों के साथ उनकी लड़ाई होती है और फिर जगन्नाथ को वापस लेकर वो जगन्नाथ मंदिर में आते हैं। हाँ, तो कृष्ण वापस द्वारका में आ जाते हैं। तो हालांकि जगन्नाथपुरी मंदिर का इतिहास और जगन्नाथ की लीला का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, ये इस युग का भी नहीं है, अनेक युगों पहले की घटनाएं हैं कि जगन्नाथ का प्रागट्य कैसे हुआ। पर भगवान की लीला हम समझते हैं कि नित्य है, ऐसा नहीं कि एक कोई युगों में भगवान प्रकट हुए उससे पहले नहीं थे। धाम भगवान का नित्य है, इसी प्रकार से उनकी लीलाएँ भी नित्य होती हैं। तो काल में हमें वो दिखाई देती कि इस युग में या इस पापर युग में हुई घटना, उसके बाद ये लीला हुई, उसके बाद ये हुई। हाँ, पर भगवान की लीलाएँ नित्य हैं, तो हमेशा शास्त्रों में जगन्नाथ के रूप में भगवान का वर्णन किया गया है और चैतन्य महाप्रभु भी उसी प्रकार से आते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार। हाँ, और तब वो इस प्रकार से उन लीलाओं में भाग लेते हैं रथ यात्रा में। तो रथ यात्रा में आगे जब रथ जाता है तो जगन्नाथपुरी में ये प्रथा है कि सभी भक्त अपने अपने घर से जगन्नाथ को अर्पण करने के लिए भोग बना कर लाते हैं और भगवान को विश्राम देने के लिए रथ कुछ समय के लिए रुकता है। बीच में वहाँ एक सरोवर और बगीचा उद्यान आता है, नरेंद्र सरोवर, वो रास्ते पर ही है, अभी आप भी जाते हैं तो देख सकते हैं। तो तब लोग है, रथ जब रुकता है तो सब लोग अपने हाथ से ही भगवान मतलब जो भी अपने हाथ में सब प्रसाद बना कर भोग बना कर लाए वहीं से भगवान को सब अर्पण करते हैं और फिर सब लोग एक दूसरे को बांटते हैं। तो जब भगवान को ऐसे भोग लगाया जाता है दोपहर में और लोग भी अपना अपना भोग लगाते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु विश्राम के लिए उस उद्यान में चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी कीर्तन चैतन्य महाप्रभु है कर रहे थे और थोड़ा विश्राम करने के लिए उस बगीचे में जाते हैं। तब है, पहले से ही भक्तों ने योजना बनाई थी। हाँ, जो रामानंद राय और दूसरे सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले राजा के सेक्रेटरी के रूप में थे और चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त चैतन्य महाप्रभु, हालांकि पहले वो मायावादी थे बाद में भक्त बन गए, तो उन्होंने पहले से राजा को सूचित किया था कि इस प्रकार से आपको जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनका आशीर्वाद चाहे, उनकी कृपा चाहे, तो सीधे तो भगवान आपको राजा के रूप में आपके महल में कभी मिलने नहीं आएंगे और नहीं अपने पास आपको मिलने के लिए अनुमति देंगे। पर जब भगवान चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से विश्राम करेंगे तब आप है चले जाइए सामान्य वेश पहनकर, सामान्य धोती कुर्ता पहनकर, और वहाँ पर जाकर आप है चैतन्य महाप्रभु का पाद सेवन करने लगना। तो जाकर है चैतन्य महाप्रभु के पैर दबाने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे होते हैं और फिर वो भागवतम के श्लोक गाने लगते हैं। तो जब भागवतम के श्लोकों को चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं कृष्ण लीला के, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं कि तुम तो बहुत ही उदार व्यक्ति हो, भूरीदा जना, कि तुम्हारे जैसा उदार कोई व्यक्ति नहीं, तुमने तो मुझे साक्षात कृष्ण ही दे दिए। तो ऐसा बोलकर उठकर वो राजा प्रताप रुद्र को गले लगा लेते हैं और उस प्रकार से राजा प्रताप रुद्र को
है भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जगन्नाथ जब 15 इस स्नान यात्रा से लेकर रथ यात्रा तक का है दर्शन नहीं देते, तब अल्लारनाथ करके भगवान का एक मंदिर है जगन्नाथपुरी में ही, तो वहाँ जाकर चैतन्य महाप्रभु रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान विष्णु का मूर्ति है, तो उसके भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं। और फिर ये लीलाएँ हैं रथ यात्रा के संबंधित लीलाएँ तो काफ़ी दिन सब चलती हैं, और सब भक्त है रथ यात्रा के बाद भी काफ़ी सारे भक्त चतुर्मास 4 महीने के लिए है जगन्नाथपुरी में रुकते हैं, ऑलमोस्ट दिवाली के 15 दिन तक, देव दिवाली तो चतुर्मास तब पूरा होता है, तो अब से लेकर इतना समय कई भक्त वहाँ पर रुकते थे और हर रोज़ कीर्तन, और सब भक्त अलग अलग भक्त अपने घर पर है जहाँ भी वो रुके हैं चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे, तो उस प्रकार से ये जगन्नाथ भगवान की लीलाएँ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु भाग लेते हैं। और वो जो व्रज के भक्त जो है कृष्ण के जाने के बाद जो भाव उन्होंने अनुभव किए वो सब का अनुभूति चैतन्य महाप्रभु इसी रथ यात्रा में है वो करते हैं। और रथ यात्रा के बाद है चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास जब पूरा होता है तो हर भक्तों को मिलकर मिलते हैं और वापस दूसरे साल आने के लिए आमंत्रित करते हैं, उसमें से कुछ भक्त जो है ये जगन्नाथ के लिए दोरी रस्सी इत्यादि सब लेकर आते हैं। तो उस समय तो क्या कि सभी राजा भी है भगवान के भक्त थे, सभी काफ़ी सारे महाप्रभु के ही भक्त हैं, रथ यात्रा के आयोजन वगैरह में सब लगे रहते थे। और प्रभुपाद जी इस रथ यात्रा में बचपन से ही, क्योंकि कलकत्ता में उनका जन्म हुआ तो कलकत्ता में काफ़ी बड़ी रथ यात्रा होती है, तो उनको बचपन से ही रथ यात्रा के दर्शन बाल्यावस्था से ही होता था उनका दर्शन, उनके पिताजी उनको ले जाते थे, तो इसलिए उनका पहले से ये आकर्षण था और उन्होंने भी विचार किया कि मेरी भी अपनी एक छोटी रथ यात्रा होनी चाहिए। तो पिताजी को बोला कि हमें भी रथ निकालना है, फिर उनके पिताजी जाते हैं बाजार में तो रथ मिल रहे थे पर बहुत महंगे होते हैं, तो फिर वो जब वापस आ रहे थे तब एक स्त्री आती है बूढ़ी सी और वो कहती है कि हमारे पास एक पुराना रथ है उसको आप ठीक करवा के उपयोग कर सकते हैं, तो उसको गौर मोहन डे उसको ख़रीद लेते हैं और उसको नया बनाकर एक हफ्ते तक उस समय अभय और उनके मित्र अभय के साथ उसकी बहन बड़ी बहन और उनके सब मोहल्ले में सब मित्र जो है एक हफ्ते तक सभी जो स्त्रियां है भगवान के लिए भोग बनाती थी, सब लोग कीर्तन करने आते थे, तो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसी एक हफ्ते तक रथ यात्रा उनकी चलते रहती थी। फिर वो बड़े हो गए, स्कूल में जाने लगे, फिर कॉलेज, फिर व्यापार, हालांकि रथ यात्रा तो होती थी और उस समय भी श्रील प्रभुपाद जो अभय चरण थे वो उसमें भाग लेते थे पर पहले की तरह नहीं, पर बाद में जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंच जाते हैं और अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जब होते हैं तो वहाँ पर उनके एक शिष्य है ऐसे छोटी छोटी मूर्तियाँ ले आते हैं, उनको लगता है कि ये कुछ इन भारतीय कुछ डॉल्स गुड़िया है तो कुछ रखेंगे ऐसे शॉप इसमें जैसे आप रखते हैं ग्लास में, उनको पता नहीं था कि जगन्नाथ है, और प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि ये जगन्नाथ ही है, और जो भक्त लेकर आते थे श्याम सुंदर प्रभु और वो कारपेंटर होते थे, उनको कहा कि इसकी अब बड़ी मूर्ति बनाओ और भगवान स्वयं चलकर आए हैं यहाँ विदेश में, तो अमेरिका आया पर भगवान मेरे पीछे पीछे आए हैं, तो उनकी ही इच्छा है कि उनकी रथ यात्रा निकलनी चाहिए, तो पाश्चात्य देशों में रूपा जी ने पहले सबसे पहले ऐसे रथ यात्रा की शुरुआत की। और फिर हर शहर में धीरे धीरे है कई नगरों में ये रथ यात्राएं निकलने लगी और भक्त सब पहले स्वयं रथ बनाते थे, जयानंद प्रभु एक प्रसिद्ध भक्त हुए प्रभुपाद के शिष्य, तो स्वयं पूरा रथ एक महीने तक पूरा सेवा करते थे, दिन रात रथ बनाते थे, रथ यात्रा निकालते थे, उसमें प्रसाद बनाना, तो अभी काफ़ी भक्तों को सुविधा हो गई है
जाकर रथ यात्रा में जाना है, कीर्तन करना है, प्रसाद लेना है। पर अन्यथा खास करके शुरुआत के दिनों में मंदिर में जो भक्त रहते थे तो एक महीने तक इसकी तैयारी चलती थी, और रथ यात्रा के दौरान तो कई दिनों तक है, दिन रात भक्त है, मेहनत करते हैं। अभी भी कई सेंटरों में जो छोटे है वहाँ पर प्रसाद लोगों को बांटने के लिए भी सब भक्त बनाते हैं, प्रसाद भी बनाते हैं और बांटते भी हैं और कीर्तन। तो रथ यात्रा एक उत्सव है कि जिसमें हम भगवान के अहितु की कृपा जीवों के ऊपर जो करते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चैतन्य महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे हैं, यहाँ वर्णन है कि कौन कौन भक्त आया उसका वर्णन है। और चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से ही चंदन और हार सब भक्तों को पहनाते हैं, और फिर उन्होंने चार संकीर्तन पार्टी बनाई, 4 parties for kirtan performance कंप्राइजिंग 24 chanters। तो एक पार्टी में 24 लोग होते थे। इन ईच पार्टी देयर वर आल्सो 2 mridang players मेकिंग एडिशनल 8 persons। और चैतन्य महाप्रभु है ऐसे अलग अलग पार्टी बनाए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यान प्रभु, अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर पंडित, तो ऐसे चार लोगों को एक एक पार्टी में मुख्य मुख्य नृत्य करने वाले। हाँ, उस समय साउंड सिस्टम इत्यादि नहीं होती थी, तो काफ़ी सारे मतलब कीर्तन और नृत्य करने वाले भक्त होते थे। स्वरूप दामोदर वो एक पार्टी में, और उनके 5 जो असिस्टेंट रहते थे, मतलब कीर्तन करना, कीर्तन के पीछे गाने वाले भी होने चाहिए और बजाने वाले भी अलग से। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित रूप से चैतन्य महाप्रभु जो रथ यात्रा जो है आयोजन करते थे उनके भक्त, जिसमें गाने वाले और पीछे गाने वाले, मृदंग बजाने वाले, करताल बजाने वाले, नाचने वाले पहले से सब असाइंड होते थे। ऐसे कुछ मंदिर ऐसे प्रयास किए ऐसे इस प्रकार से करना जो चैतन्य चैतामृत में है, उस प्रकार से आयोजन करना। तो सब लोग कीर्तन करने लगे, और यहाँ पर वर्णन आगे आता है। सत्तथानी बोले प्रभु हरि 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 बलि, जय जगन्नाथ बले न हस्त युग तुली। तो हाथ उठाकर चैतन्य महाप्रभु जोर से हरि हरि इस प्रकार से बोलते थे, या जय जगन्नाथ इस प्रकार से बोलते थे। आर एक शक्ति प्रभु करील प्रकाश, एक कालेश शत स्थानी करील विलास। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रकार एक और लीला की, और 7 ग्रुप में चैतन्य महाप्रभु है वो नाचने लगे। सभी कहे प्रभु आच आछे न मोर संप्रदाय, अन्य थानी नहीं जाए आमारा दयाय। हर भक्त विचार करने लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारे साथ ही नाच रहे हैं और कहीं नहीं नाच रहे हैं। केहल लखिते नारे प्रभुर अचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने जार शुद्ध भक्ति। और भक्त ये नहीं जान पाए कि कैसे हो रहा है। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, संकीर्तन देखे रथ करेल स्थगित। तो संकीर्तन देखने के चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन देखने लगे, जगन्नाथ स्वयं है रथ को रोककर देखने लगे। प्रताप रुद्रेल हय परम विस्मय, देखते विवश राजा हैल प्रेममय। तो प्रताप रुद्र राजा भी है, विस्मित हो गए। काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र कहे तुम्हारा भाग्य नाही सीमा। काशी मिश्र कहे कि आपके तो भाग्य की कोई सीमा नहीं है। सार्वभौम संग राजा करे थारा थारी, आर कहा नहीं जाने चैतन्य छुरी। तो भट्टाचार्य है चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं को जानते थे, और चैतन्य महाप्रभु की लीला ट्रिक को कोई नहीं समझ पाया। जारे तारा कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादिक जानी बारे नारे। जिसके पास कृपा है वही जान सकता है चैतन्य महाप्रभु की लीला और कोई नहीं। राजा र तुच्छ सेवा देखी प्रभुल तुष्ट मन, सहित प्रसादे पायला रहस्य दर्शन। तो राजा की सेवा को देखकर भगवान ने उनको अपनी लीला का प्रकाश किया। साक्षात्य नादेय देखा परोक्षे तदय,
के बुझे व्यापारे चैतन्य चंद्र हिलमाया, तो साक्षात भगवान ने उनके उनको संग नहीं दिया पहले, पर इस प्रकार से उनकी कृपा भगवान ने दिया। सार्वभौम काशी मिश्र दुई महाशय, राजा प्रसाद देखी हैल विस्मय। तो सार्वभौम और काशी मिश्र ये जब देखा कि राजा को भगवान की कृपा मिली है तो काफ़ी खुश हो गए। कबो एक मूर्ति कबो हई बहु मूर्ति, कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश आय शक्ति। तो कभी एक रूप में तो कभी अनेक रूप में इस प्रकार से भगवान कर रहे थे, तो ये भगवान की लीला शक्ति कारण ही हो रहा था। पूर्व जैसे रासादि लीला कैल वृंदावने, अलौकिक लीला गौर करी कैल क्षण क्षण। तो जैसे पहले वृंदावन में रासलीला में हुआ था, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने एक कीर्तन में भी किया है। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि रासलीला में तो इवन बड़े बड़े देवता तक भाग नहीं ले पाते हैं, जो अनेक जन्मों से तप करके गोपी के भाव को प्राप्त किए वो उस रासलीला में भाग लेते हैं। पर ये कीर्तन ऐसा है वो रासलीला के सदृश ही है, उससे भिन्न नहीं है। और जो भी इस कीर्तन में भी नाचता है उसको समझना चाहिए कि मैं कृष्ण की रासलीला में ही भाग ले रहा हूँ। भक्तगण अनुभवे ना ही जाने न श्री भागवत शास्त्र ताहते प्रमाण। तो इसे भक्तगण ही जानते थे और कोई नहीं जानता था इन रहस्यों को, और भागवत उसका प्रमाण है। यही मत महाप्रभु करे नृत्य रंगे, भाषाइला सब लोक प्रेम तरंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नाचने लगे। ये मत है लक्षण रथ आरोहण, तारा आगे प्रभु नाचे ल भक्त गणे। तो कुछ समय वो रथ के आगे नाचते थे और फिर रथ है गुंडीचा के नजदीक पहुंचने लगा। इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु है अनेकों भक्त के साथ कीर्तन की, यहाँ सब भक्तों के नाम भी, बहुत सारे भक्तों के नाम भी दिए गए हैं। तो और भी हालांकि विस्तृत जो कथा है मैंने नहीं बताई, आप में से कुछ लोग जानते होंगे जगन्नाथ प्रागट्य की लीला। एक पुस्तक है जगन्नाथ प्रागट्य नाटक, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, मूल जो है वो उड़ीसा में उड़िया में है, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, नाटक के रूप में भी किया जाता है। तो उस पे जगन्नाथ के प्रागट्य की लीला का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अब इसको भोपाल के चैनल पर वो नाटक है, किसी को देखना है तो बहुत सुंदर, हम लोग थे 2017 में वहाँ किया गया था। अभी आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ये मैं चैतन्य चरितामृत से महाप्रभु की लीला का कुछ वर्णन किया, जो आप लोग भी, आपके पास चैतन्य चरितामृत है तो 2 अध्याय है रथ यात्रा के संबंधित, उसको आप पढ़ सकते हैं। हाँ दोनों की बहन है, देवकी की ही पुत्री है। क्योंकि कृष्ण के जन्म के बाद, कृष्ण जब मथुरा चले गए उसके बाद भी वसुदेव जी के और मतलब संतान हुई। वसुदेव जी की 11 पत्नियां बताई गई है भागवत में, तो उसमें देवकी और रोहिणी प्रसिद्ध है, बाकी के नाम हमें पता नहीं, पर है 11 पत्नियां है। तो उसमें जो सुभद्रा देवी है वो देवकी की ही पुत्री है। हाँ वही सुभद्रा देवी, मतलब क्या हो रहा था कि अलायंस में ये होता है कि दुर्योधन इत्यादि ने विचार किया कि अगर हमारा यादव से अलायंस हो जाता है, मतलब मित्रता हो जाता है, तो एक भविष्य में का युद्ध होगा तो उनको हमारा सहयोग देना ही पड़ेगा। तो बलराम जी है उनके पास है, इसलिए शिष्य बनकर दुर्योधन जाता है कि मुझे गदा युद्ध सिखाइए। तो एक बार कोई डिसाइपल बनता है तो थोड़ा सा उसकी और हो जाता है कि भाई उनका डिसिप्लिन फॉलो करके दुर्योधन ने उनके सामने युद्ध विद्या इत्यादि सीखी। और फिर उन्होंने ये प्रस्ताव भी भेजा कि सुभद्रा देवी से उनका विवाह करवाया जाए। और उसी समय
अर्जुन है वो द्वारका में आया होता है और भगवान अर्जुन को ये योजना बताते हैं, और सुभद्रा देवी की भी ये इच्छा होती है कि अर्जुन के साथ उसका विवाह हो और नहीं कि दुर्योधन के साथ। हालांकि मतलब जो कुंती महारानी है वसुदेशिक बहन है बराबर, तो ये बुआ हुआ और ये भतीजी हुई, तो मतलब कुछ जो कम्युनिटीज है उसमें इस प्रकार के मैरिजेस होते थे और अभी भी होते हैं। तो सुभद्रा देवी का विवाह मतलब अपहरण उसमें किया जाता है अर्जुन, और फिर बलराम जी विरोध करते, हालांकि कृष्णा फिर उनको रोकते हैं। तो सुभद्रा देवी है उनका फिर पुत्र अभिमन्यु हुआ, और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तो अर्जुन की चार पत्नियां हैं, एक द्रौपदी, फिर सुभद्रा और चित्रांगदा उलूपी, नाग कन्या जो थी उलूपी, और चित्रांगदा जो ये मणिपुर के राजा थे उनकी पुत्री थी। भाई नहीं, चित्रांगदा ही उसका नाम है, हाँ राक्षस नहीं थे वो एडिम्बा एडिम्बा। तो मतलब ये जब विश्व विजय के लिए अर्जुन जब जाता है तब वहाँ पर मणिपुर में उसका सामना इससे होता है, मतलब मणिपुर के राजा है उसकी पुत्री उसके साथ है, ये अश्व को पकड़ लेती है, उसके साथ लड़ाई होती है। और नहीं वो बात क्या ये एक्चुअली बात दो बार होता है ना, पहली बार तो विवाह होता है और दूसरी बार महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन जब जाता है तब अर्जुन का ही पुत्र जो चित्रांगदा से था वो उसको हरा देता है, अर्जुन मर जाता है, क्योंकि गंगा का ही शाप था कि मेरे पुत्र को जिसने भी मारा मतलब तो उसका मृत्यु हो जाए, फिर वो उसको वापस जीवित करती है उलूपी, चित्रांगदा जीवित करते उलूपी, वापस उसको जीवित किया जाता है अर्जुन को। तो ये महाभारत युद्ध के बाद वापस एक विश्व मतलब अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें भीम के पुत्र, कर्ण के पुत्र, अर्जुन ये सब है विश्व विजय के लिए निकलते हैं, और उस युद्ध में भी एक युद्ध होता है। वो एक पुस्तक है उस क्या उसका नाम है जैमिनी महाभारत का जो एक भाग उपलब्ध जो है उसमें ये कथाएं आती हैं, तो पूरा उपलब्ध नहीं पर एक उसमें ये विश्व विजय का जो इतिहास है बताया गया है। तो आप में से कितने लोग पहली बार रथ यात्रा में भाग लेने वाले हैं, कभी गए नहीं रथ यात्रा में, सब गए हैं, अब आप कभी गए नहीं गए, तो इस बार तो अच्छा अवसर है, रविवार को रथ यात्रा है, सुबह आप मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए 9 बजे आइए, क्योंकि वैसे भी मंदिर में उस दिन लेट ही भगवान के दर्शन होंगे, तो 9 बजे के बाद थोड़ा भीड़ कम रहेगा, तो 9 बजे से 12 बजे तक में आप दर्शन करने आ सकते हैं, और रथ के समय भी भीड़ रहती है स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सामने से रथ यात्रा शुरू होती है, पर शुरुआत में थोड़ा भीड़ होता है, तो आप यूनिवर्सिटी का रोड जो है काला घोड़ा तक का वहीं किनारे में कहीं आप खड़े हो जाएंगे, तो लेडीज साइड एक साइड जेंट्स होते हैं, एक साइड में लेडीज होते हैं, तो आगे जाकर थोड़ा भीड़ कम रहेगा, और आप पार्किंग वगैरह अपना व्हीकल सायाजगंज में कर सकते हैं, क्योंकि नज़दीक में कहीं भी आपको व्हीकल अलाउ नहीं होगा और सब रोड ब्लॉक्स होंगे आगे, मतलब आगे तो सब पुलिस ही होगी, तो इसीलिए कठिन होगा। और फिर अगर आपके पास समय है पूरा तो पूरी रथ यात्रा में रह सकते हैं, आगे आगे एटलीस्ट आप रहेंगे तो भीड़ नहीं रहेगी, रथ के नज़दीक एकदम भीड़ रहती है, एकदम नज़दीक तो बहुत पुलिस रहेगी, फिर थोड़ा भीड़ रहता है, फिर आगे थोड़ा भीड़ कम रहता है, उसमें कीर्तन के अलग अलग ग्रुप्स चलते रहते हैं, तो उसमें आप कीर्तन वगैरह में भाग ले सकते हैं, तो पूरी रथ यात्रा भी पूरा कर सकते हैं, और जिनके लिए संभव नहीं है तो कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जितना भाग ले सके उतना भी ले, वर्षा भी हो सकती है तो छाता लेकर आना है तो आ सकते हैं, रेनकोट पहन कर आ सकते हैं।
आज हमारे मंदिर में आज मार्जन किया गया था, गुंडीचा मार्जन, एक लीला चैतन्य महाप्रभु ये लीला भी करते हैं कि रथ यात्रा के अगले दिन वो गुंडीचा मंदिर जाते हैं और सब भक्तों को कहते हैं कि आज हम ये जगन्नाथ कला यहाँ पर आने वाले हैं तो हम इस मंदिर को साफ सफाई करेंगे। तो काफ़ी विस्तार से उन लीला का वर्णन है, क्योंकि उस समय तो मटके में पानी लाना पड़ता था, हाँ, तो सरोवर में से मटके से सब पूरी लाइन लंबी रहती थी और लाते थे, पहले झाड़ू पोछा, पहले झाड़ू लगाया, बड़ा बड़ा कचरा निकाला, फिर पोछा लगाया, और काफ़ी विस्तृत वर्णन गुंडीचा मार्जन लीला का, उसके ऊपर भक्ति सीता महाराज के भी कॉमेंट्रीज दी गई है कि कैसे गुंडीचा मंदिर का मार्जन, मंदिर मार्जन है वो हमारे जो चित्ररूपी दर्पण है तो उसका मार्जन ही है, तो वो लीला भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने जैसी बातें बताई है। हाँ, गुंडीचा मतलब ये रथ यात्रा का रूट ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का है, तो जगन्नाथ का मंदिर है और गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा मूल रूप से जो जो इंद्रद्युम्न राजा हुई है उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था, तो उसी के नाम पर गुंडीचा मंदिर वो प्रसिद्ध है, तो उसमें जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान आते हैं, फिर वो मंदिर खाली रहता है। उसके नज़दीक में एक नरसिंह टेम्पल भी है, मतलब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अलग अलग वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, अलग अलग स्थल है, तो अब ये वहाँ एक सीधा ही रोड है, तो ग्रांट रोड जिसको कहते हैं, तो मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा होती है। महल तो अभी कहने एक्चुअल तो इंद्रद्युम्न राजा तो जो अवंती के थे, पर उनके नाम पर क्योंकि ये सब आते हैं तो लीला में तो ये होता है गुंडीचा इत्यादि सब तो मर गए होते ना उस समय, तो सब शरीर छोड़ दिए होते हैं जब जगन्नाथ का मंदिर बनता है, तो उसके नाम पर शायद वो मंदिर का नाम रखा गया, क्योंकि वही नाम लीला में तो वही नाम आता है गुंडीचा, तो महल तो यहाँ कोई था नहीं। हाँ नहीं, वो इंद्रद्युम्न राजा तो मूल तो यहीं थे, अवंती में रहते थे, वो कहाँ वहाँ महल बनाया। हाँ वो कहाँ रहते थे, वो वहाँ उनका महल था कि वो, आपको आपने ऐसा पढ़ा है कहीं। हाँ हाँ वो वहाँ महल था कि वो मुझे पता नहीं। ओके, कोई और प्रश्न है तो बताइए। तो सभी भक्त आइए रथ यात्रा में भाग लीजिए, उपवास नहीं होता है रथ यात्रा के दिन। हाँ गंभीरा मतलब वो जो रहते थे उस स्थान का, वो काशी मिश्र जो थे उनका वो घर था, मतलब उनका एक मकान था। पहले चैतन्य महापुरुष सबसे पहले सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर आते हैं, क्योंकि वो मूर्छित थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पर ले आते, अभी भी वो घर है। और फिर काशी मिश्र सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि कुछ व्यवस्था करो, फिर उनका एक मकान होता है कि वहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु रहने के लिए निश्चित करते कि मैं यहाँ पर रहूँगा, तो अभी भी वो स्थान है गुंडीचा जिसको गंभीरा कहते हैं। तो और फिर चैतन्य महाप्रभु कुछ समय कुछ महीने रहे, फिर तो दक्षिण भारत की यात्रा पर 5 साल के लिए चले गए, और फिर आने के बाद वृंदावन की यात्रा में 6 महीने ऑलमोस्ट चले गए, फिर अंतिम 18 जो 6 साल निकल गए इसी प्रकार से, फिर अंतिम 18 साल जो बचे वो चैतन्य महाप्रभु है वो वहीं पर रहे, क्योंकि आने के कुछ समय के बाद ही चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत चल के वृंदावन पहले जाना चाहते थे, भक्त लोग मना कर देते हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकल जाते, उसको पूरा करने के बाद फिर वृंदावन की यात्रा के लिए भी निकलते हैं। और फिर 18 साल चैतन्य महाप्रभु कहीं ट्रैवल नहीं करते हैं। एक होता है क्षेत्र संन्यास, तो उसमें जनरली एक ही धाम में रहकर संन्यास एक ही जगह पर रहते, एक से कि प्रमा परिव्राजक की सन्यासी है सब जगह भ्रमण करता रहता है, और दूसरा क्षेत्र सन्यासी होते ही एक ही जगह पर रहते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उसी प्रकार से क्षेत्र नहीं फिर रहे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का जो उद्देश्य था वो
सब वहीं पर पूरा होने वाला था, क्योंकि रामानंद राय वहाँ पर रहने साथ में आ जाता है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो ये सब कृष्ण लीला में जो है सखी है सब, तो वो सब दिन में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन इत्यादि भक्तों के साथ करते थे, पर रात में जो उनके प्रागट्य के अंतरंग जो कारण है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य के बहिरंग कारण है और अंतरंग कारण है, एक्सटर्नल रीजन्स एंड इंटरनल रीजन्स, तो आंतरिक कारण है वो चैतन्य महाप्रभु अपने निजी कुछ भक्तों के साथ ही, दो तीन भक्तों के साथ ही वो सब लीलाओं के, कृष्ण लीला के सब गीत गाते थे, और चैतन्य महाप्रभु पूरी रात विलाप में और ब्रजवासियों की जो स्थिति है उसी प्रकार से वो 18 साल है पूरी रात्रि उसी प्रकार से उनकी बीतते थे। आप कम से कम उसको संक्षिप्त में वो प्रेमावतार चैतन्य महाप्रभु में पढ़ सकते हैं, अंत्य लीला में भी सब लीलाओं का वर्णन आएगा, मतलब आप चैतन्य चरितामृत में भी अंत्य लीलाओं में विस्तार से वर्णन। हाँ, श्रीवास आंगन, हम जो मायापुर में योगपीठ है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, हाँ, जाने से पहले उससे थोड़ा आगे जाते हैं, तो जैसे आपका यहाँ आंगन है, आपके थोड़ा आगे से दो मकान, ये मोहल्ले के बाहर दूसरा मकान है, उसी प्रकार से ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर जितना ही दूर है, हाँ, पूरी में जाने से पहले शिवा सांगन में ही कीर्तन होता था रात को, और दिन में नगर संकीर्तन वगैरह होता था प्राय शाम के समय में। इसलिए प्राय जो भक्त थे 4 महीने के लिए रुकते थे वहां पर, क्योंकि फिर चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए जगन्नाथ, तो सबको अलग अलग आदेश भी दिए कि आप लोग अलग अलग जगह पर प्रांत में जाओ प्रचार करो, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु भी जो उनके साथ रहते थे उनको भी भेजा, हरिदास ठाकुर तो हालांकि वहीं रहे, पर बाकी अन्य अन्य भक्तों को अलग अलग प्रांत में प्रचार करने के लिए भी उन्होंने आदेश दिए, और सबका ये एनुअल गैदरिंग होता था जगन्नाथपुर। ठीक है, यहाँ पूरा करते हैं। भगवान जगन्नाथ की जय, यात्रा की जय।